नमस्कार शुद्ध देसी रेडियो लिसनर, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शालिनी। और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त एम भी। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि बहुत ही उम्दा दो कलाकार हमारे बीच आज मौजूद हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं, और उतनी सुंदर भजन गायिका कविता पौडवाल जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शुद्ध देसी रेडियो के स्पेशल सेलिब्रिटी कनेक्ट प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप दोनों इतने चमक रहे हैं, इससे मुझे पता लग गया कि शुद्ध देसी घी आप लोगों ने खूब खाया है जिंदगी में। ये उसी की चमक है, इसी के उसी चलते की हमने नाम ही चमक रख दिया रेडियो का शुद्ध है। नाम ही देसी। रख दिया शुद्ध देसी घी, खाओ और अपना रेडियो अपनाओ। बिल्कुल। तो अनुप जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हम लोग इंडिया में दोनों पले बड़े हैं और वहां से सुनते आ रहे हैं आपको। आपके एक एक भजन या फिर आपकी एक गजल भी मुझे याद है। तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ आपके दो लाइनों से शुरू करें। कोई भी आपका पसंदीदा भजन हो, इफ यू कैन जस्ट सिंग अस जरूर फ्यू लाइंस। सुनिए। ऐसी लागी लगन, नीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है क्या सर, बात हमारे तो मतलब कान तृप्त हो गए। है, जब शुरुआत हो ही गई है भजन से हमारे प्रोग्राम की, तो कविता जी आपसे भी चंद दो लाइनें बनती हैं कि आप भी प्लीज सुना दें हमारे श्रोताओं को। एब्सोल्युटली। सो हाय शालिनी, हेलो आदि जी, गुड टू हेलो। बी ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आयो जी मैंने वाह राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मौलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे ज्यादा सुनना है तो आपको प्रोग्राम में आना होगा। मैं यही बोलने बिल्कुल। है कि बैठे बैठे हमें तो झलकी मिल रही है, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं, आप प्लीज जाएं जहां पे भी ये जिन शहरों में आपके ये प्रोग्राम हो रहा है, भजन का प्रोग्राम हो रहा है, प्लीज जाएं और सुने। ये तो एक केवल टीजर है, जब आप जाएंगे वहां सुनेंगे तो आपको बहुत ही और ज्यादा मजा आने वाला है, इतने इंस्ट्रूमेंट के साथ जब सुनने को मिलेगा, और एक माहौल एक अच्छा ही बन जाता है उस वक्त। बिल्कुल। और उस टूर के बारे में भी बात करेंगे, हमारे श्रोता दर्शकों को आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हो और किस टाइप का प्रोग्राम होगा। कि ये खाली गजल का प्रोग्राम है, भजन है, या फिर बाकी प्लेबैक सिंगिंग भी होगा हम जो उसमें। कॉन्सर्ट कर रहे हैं, इस कॉन्सर्ट का नाम हमने रखा है म्यूजिकल कॉकटेल। म्यूजिकल कॉकटेल। अच्छा। तो इसमें भजन से शुरू होता है, फिर कुछ गजलें होती हैं, फिर कुछ फिल्मी गाने होते हैं, फिर हम अच्छा दोनों डुएट गाते हैं, अच्छा वो भी कुछ फिल्म सॉन्ग्स। तो प्रोग्राम को ऐसा बना दिया है कि जितने लोग बैठे हैं उनके सबके पसंद की कोई ना कोई चीज उसमें आई जाती, बिल्कुल। तो वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाला मामला होता है कि जब लोग घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं, अच्छा अनूप जलोटा का प्रोग्राम है, यार ऐसी लागी लगन तो सुनना ही सुनना है। तो मैं सबसे पहले ऐसी लागी लगन सुना देता हूं। तो उनको आते लगता है कि यार काम तो अपना हो गया, अब मैं उनको जो कुछ भी सुना उनको मंजूर हो जाता है, क्योंकि उनको उनको जो सुनना है वो तो हो ही गया। पहला पहला उनको डिश मिल गई जो उन्हें पसंद है। ये होती है एक स्टाइल, एक तरीका लोगों को पूरी तरह खुश करने। नहीं तो होता क्या है कि मैंने अक्सर सिंगर्स को देखा है कि वो लोग उनका जो सबसे पॉपुलर गाना है वो वो एंड लास्ट में गाते गाते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। एंड में जब गाते हैं तो उसमें आधे लोग तो चले जाते हैं कि यार हम जो सुनने आए वो तो गा ही नहीं रहे, तो आधे लोग चले जाते हैं। तो हाँ इससे अच्छा है कि यार पहले सुना दो, उनको पकड़ के बिठा दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा तरीका है।
और ये आई थिंक ये ना आपकी जो स्ट्रेटेजी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आते हैं, उनको मतलब दे शुड टेक अ नोट ऑफ इट कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत बढ़िया है, कि शुरू से उनको यू नो बांध के रखो तो दे विल नॉट हाँ, लीव एट ऑल। शुरू से अपना बना लो। आई वुड लाइक टू एड समथिंग टू दैट. सो जब फर्स्ट छोटी सी रिहर्सल जब हुई थी एंड मैंने अनुजी से पूछा कि कैसे करेंगे अनुजी, कैसे क्या गाएंगे, तो ही समड इट अप इन वन लाइन. ओके, ही सेड देखो कविता, वी हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस, राइट? तो उनको जो सुनना है हम सब सुनाएंगे, बस एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी आर डूइंग एंड इट्स वर्किंग ब्यूटिफुली. क्योंकि गजलें हैं, भजन है, फिल्म सॉन्ग्स हैं, दे डांस, झूमते हैं और बहुत खुश होकर वापस जाते देखिए, हैं दो लाइन वापस. हम आपको साथ में सुनाते हैं। बिल्कुल कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कि शुद्ध देसी रेडियो में हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है दैट देयर इज सो मच एंटरटेनमेंट इन दैट प्रोग्राम. आना अरे बिल्कुल एक बार तो कमाल हुआ मेरे प्रोग्राम में। अभी हम कहाँ कर रहे थे, 3 दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां बहुत अच्छी ऑडियंस, बड़े प्यार से सब सुन रहे थे। तो फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी थी, उनकी गोदी में बच्चा बैठा हुआ था, वो रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी इसको चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा तो ये सच में कॉकटेल है, केवल गाने ही नहीं है, हमें इसमें जो गाना है सब कुछ जैसा मिक्स है. बहुत सारे चुटकुले और बड़े मजेदार चुटकुले हैं आपका. अनूप जी, आपका ये रूप हमें पता नहीं था कि आप इतने मजाकिया स्वभाव के भी और इतने चुटकुले आप लगा लेते हैं. मजा करना है और क्या है, चाहे कॉन्सर्ट है, चाहे मिलना जुलना है, चाहे इंटरव्यू है, खुशी बांटनी है। आप बिल्कुल खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, दुनिया खुश रहेगी, और क्या रखा है जिंदगी में। बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कविता जी आपकी कॉन्सर्ट के बारे में, तो थोड़ा कॉन्सर्ट के बारे में हमारे श्रोता दर्शकों के बारे में उनको बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपका कॉन्सर्ट, कहाँ हो रही है कॉन्सर्ट, एंड हाउ कैन दे गेट देयर टिकट्स ऑल्सो, अभी तक कहाँ कहाँ हो गए पहले वो कविता जी वो भी बताइए। बताइए। बिल्कुल सो वी हैव डन वॉशिंगटन डीसी वाज द फर्स्ट सिटी, उसके बाद हमने सैन फ्रांसिस्को किया, देन वी डिड एलए, एंड टुमारो वी आर हेडेड बैक टू सैन फ्रांसिस्को. मिलपिटस में है आईसीसी, द इंडियन कम्युनिटी सेंटर, विच इज अ वेरी पॉपुलर वेन्यू, वहां पे है. उसके बाद टैम्पा एंड रिचमंड. टैम्पा एंड अच्छा रिचमंड के वेन्यूज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, बट इफ यू वॉन्ट वील शेयर द ब्रोशर्स, इफ इट्स पॉसिबल टू फ्लैश द ब्रोशर्स, श्योर। एंड फॉलोइंग वीकेंड वी आर इन ह्यूस्टन. ह्यूस्टन द फ्राइडे। अच्छा तो काफी क्रिस क्रॉस वाला जर्नी है मतलब जी, आपका। हाँ, हाँ, यू कैन से घुमाते हैं खूब, जो जो हमारे नेशनल स्पॉन्सर्स होते हैं ना, खूब घुमाते हैं हमको इधर से उधर, उधर से इधर, उनको समझ में नहीं आता यार, एक बार एक एरिया खत्म करो फिर लेके चलो, लेकिन उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा। हमको समझा समझा के परेशान होते हैं, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, 40 साल से मैं अमेरिका आ रहा हूँ, और 40 साल समझाते हुए हो गए, किसी को समझ में नहीं इसीलिए हमें आया। हंसने के अलावा दूसरा चारा नहीं रहता बाय द एंड. क्वेश्चन ये है कि जब आप लगातार कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, तो इस दौरान सालों दर साल आपने क्या फर्क देखा लोगों में, जो ऑडियंसेस होती है उनकी पसंद में, या उनका रिएक्शन कैसे रहता है एक जगह से दूसरी जगह के ऑडियंस के रिएक्शंस में क्या फर्क दिखा, या एक साल से दूसरे साल में, ऐसा अगर कुछ आपको कोई एक ऐसा कुछ वाकया हुआ जो स्टैंड आउट हुआ हो, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपने क्या अंतर देखा. अमेरिका में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग म्यूजिकली लिटरेट हैं, वो एरिया है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, क्योंकि वहां पर उस्ताद अली अकबर खान साहब ने स्कूल खोला, पंडित रविशंकर जी ने खोला, उस्ताद जाकिर हुसैन वहां पर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। इस तरह के कई हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वहां लोगों को संगीत सिखाया है, तो वो लोग राग समझते हैं। जब उनके पास थोड़ा क्लासिकल गाओ तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ, हम इससे
थोड़े कनेक्टेड हैं, समझते हैं, हमने सुना है, तो इन चीजों का बड़ा मजा आता है। और वैसे तो बाकी शहरों में लोग सुनते ही अच्छी तरह, लेकिन उनको इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उस एरिया में है जहां का मैंने जिक्र किया। बाकी हर शहर में जैसे भजन सुनते हैं वैसे ही गजल सुनते हैं, वैसे ही थोड़ा क्लासिकल सुनते हैं, वैसे मेहदी हसन साहब की गजलें सुनेंगे, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली, तो हम तो सबके सबको ट्रिब्यूट देते हैं प्रोग्राम में। हम जब स्टेज पे बैठ जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं, देखिए जी, हमसे जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हम उन सबको ट्रिब्यूट इसमें देंगे, सबकी चीजें गाएंगे। और अभी लास्ट प्रोग्राम में हमने जगजीत सिंह साहब की चीजें गाई, मेहंदी साहब की गाई, पंकज उदास जी की भी चीजें गाई, वो भी बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है, और लोग इतने खुश हो जाते हैं सुन के, क्योंकि अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो उनके साथ साथ इन सबको भी तो पसंद करते हैं, और लोगों को बहुत खुशी होती है इसकी। और मतलब एक प्रोग्राम में पंकज उदास जी से लेके जगजीत सिंह की गजलें, फिर आपकी गजलें, फिर कविता जी का उनका उनके साथ में आप अनुराधा जी की फिल्म के गाने हम देते हैं, बिल्कुल, बिकॉज़ व्हेन पीपल सी मी दे एक्सपेक्ट मी टू सिंग सम ऑफ अनुराधा जी सॉन्ग्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर ब्यूटीफुल। मतलब जो 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 गीत हम लेते हैं वो थोड़े से गजल नुमा है ही, यू नो, सो दे फिट वेरी वेल इनटू द सेटअप। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत चाहते। कितना खूबसूरत नगमा है, बहुत खूबसूरत नगमा है, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा आपने ये गाने की शुरुआत करी, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कविता जी की ये एक सीरियल कुछ बना था हिंदी में, बहुत प्यार करते हैं, उसका टाइटल ट्रैक आपने गाया था। जी, सो इन द रीसेंट पास्ट दे डिसाइडेड टू जैसे गाने रिहैश करने का जो ये दौर चला हुआ है, लेकिन थैंकफुली ये उन्होंने जो दोबारा से रिक्रिएट किया ये बहुत अच्छी तरीके से किया, विदाउट हिंडरिंग एनीथिंग, मतलब थोड़ा सा उसका अंतरा बदल के, लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छी तरह से किया। एंड शुभम जो डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप गाएं, एंड यू शुड put it as a tribute. I said, I'm not calling it a tribute. My mother, Ishwar, kare, you know, she keeps singing forever and ever. Lekin yes, as another respect. Fan. Yes, respect. As respect and matlab, I'm her daughter, lekin unke jitne fans hai, everybody sings these songs, yes. You know. Yes. And similarly, I would like to sing it, you know, as you know, my little take. As her fan, as her daughter. So, yes, ये कुछ महीनों पहले रिलीज हुआ है जी। बहुत ही बढ़िया। तो आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आपने कुछ 13 साल की उम्र से प्लेबैक सिंगिंग चालू किया था, तो यू हैड यू नो द म्यूजिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी देयर, घर में था कि जैसे कि मतलब आपकी अनुराधा जी तो गाती ही है, तो उससे और कुछ other inspiration was there or was it only Anuradha ji? Well, my father was a very well-known music composer, Arun Paudwal. Yes. He used to play with, he was an accordion player and a very, very fine musician. He used to play with Kishore Da, Lata ji and all of them. Then they started doing Anil Arun karke unki composer duo ji. So some of the best Marathi music, sare unke jo films the, Gammat Jammat, Ashihi Banwa Banbi, you know, jo music Marathi music sunte hain. Right. And also Meera Ka Mohan, jinhone Hindi suna hai. So sare unke compositions the. So music, of course, was all around the place forever and ever. Maine shastriya sangeet sikha Suresh Wadkar ji se. Aur It was a very natural transition. जब जुनून फिल्म के लिए मैंने गाया, you're right, I was 13 and मैं अनुराधा जी से मिलने गई थी after school, और तब वहाँ पे श्रवण जी थे, और उन्होंने I think they were probably just dubbing the song, जैसे vocals dub करते हैं, तो कहा तुम गाओगी, तो मैंने कहा हाँ गाऊंगी, तो तुम्हें डर नहीं लगता, मैंने कहा डर किस बात का, गाने में किस बात का डर, तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल के यू नो इट्स एन आर्ट फॉर्म, इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म, और उस पर डर किस बात का, एज लॉन्ग एज आप गाओ और वॉट यू आर डूइंग इज राइट, नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट, वेरी नाइस, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड देन इट काइंड ऑफ टुक ऑफ फ्रॉम देयर, एंड दे रिटेन्ड दैट सॉन्ग, आई थिंक दे वर सपोज्ड टू डब, समबडी एल्स वाज सपोज्ड टू डब इट,
बट दे प्रोबेबली रिटेन्ड इट एंड पूजा भट्ट थी उस फिल्म में एंड या आई गेस दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड और आपकी अनुराधा जी का एक सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर है मराठी में अष्टविनायक मूवी का है आली माझा घरी दिवाळी आली माझा घरी दिवाळी इवन अष्टविनायक का तुझा महिमा कसा दैट्स दी सॉन्ग आई थिंक इवन टुडे हर अष्टविनायक के स्थान पर वो गाना बजता है बिल्कुल और यहाँ पे हम लोग जब भी दिवाली का प्रोग्राम करते हैं उनका गाना ये तो बजेगा ही बजेगा वेदर इट इज हिंदी प्रोग्राम या कुछ भी रहेगा तो वी विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर श्योर तो अगर आप कुछ एक लाइन उसमें उसकी सुना दे तो मैं आपको उसकी पहली लाइन सुना देती हूँ बिकॉज आली माझा घरी दिवाळी आली माझ्या घरी दिवाळी सॉरी मला शब्द सगळे आठवत नाही जरूरत ही नहीं है जब आपकी आवाज ही इतनी दम मिश्री घोल दे रही है कानों में तो कुछ साज की जरूरत ही नहीं आपकी आवाज थैंक यू तो फिर आपने आपने शायद इसका ओरिजिनल सुना नहीं है अगर आप इसे मिश्री कहते हैं तो यू शुड लिसन टू द ओरिजिनल इट्स ब्यूटीफुल जी अनूप जी भजन की बात कर रहे हैं पूरा ये चल रहा है तो मैं हमेशा से आपको मेरे लिए कि है भजन की अगर कोई बात आती है तो आप ही का नाम आता है और आप ही के भजन आते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी भजन गाने का सफर कैसे शुरू हुआ और आपने सोचा क्या कैसे कि भजन ही मुझे गाने हैं बॉलीवुड में मेन लीड में ऐसे गाने के लिए वगैरह अब तो आप गा रहे हैं लेकिन शुरुआत आपकी भजन से हुई तो वो कैसे सफर शुरू हुआ भजन मैंने बचपन से गाए मैं 7 साल की उम्र में जो मैंने सबसे पहला प्रोग्राम किया था लखनऊ में तो उसमें मैंने भजन ही गाया था ठुमर के चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया और उसके बाद भजन में मुझे बहुत मजा आने लगा गाने का लेकिन उसके साथ साथ मैं फिल्मी गाने भी गाता था क्लासिकल भी गाता था गजलें भी गाता था और मेरा जो सबसे पहला एल्बम हिट हुआ वो गजल का एल्बम था अच्छा। उसका नाम था इन कॉन्सर्ट उसमें 4 नगड़ाइयां ले रहा है ओ, क्या बात से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ जाम चलने लगे दिल मचलने लगे अच्छा मेरे यूं तो जमाने के लिए वो एल्बम बहुत हिट हुआ था लेकिन उसके बाद जो सेकंड एल्बम मेरा आया वो भजन का था और वो इतना ज्यादा हिट हो गया कि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया ये भजन सम्राट है मैंने कहा यार अभी एक जुमा जुमा एक एल्बम आया तुम लोग मुझे सम्राट बोलने लगे कहते भाजी हमको बड़ा मजा आ रहा है चलो ठीक है तुम लोगों की खुशी है जो मर्जी बोलो लेकिन सच ये है कि अनुराधा जी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा भजन गाती वो जब भजन गाने लगती है तो मैं चुप हो जाता हूँ और एक और सच्ची बात बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रोग्राम किए हैं एक भी भजन साथ उन तीनों प्रोग्राम में कविता जी ने डोमिनेट किया है शो ये सामने आ जाते मैं पीछे हो जाता था ऐसा जमाया तीनों शो में मैं पीछे पीछे इनके ऐसा जमाती है शो अभी आप देखिएगा आगे जो शो है लोग महसूस करेंगे ऐसा गाती हैं कि बस फिर पब्लिक कहती है मुझे आगे चुप रहिए चुपचाप बैठ जाएंगे इट्स एक्चुअली बीन अ वेरी वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस बिकॉज एक ट्रू ब्लू एंटरटेनर मतलब ऑफ कोर्स एन आर्टिस्ट पार एक्सलेंस ये तो कहने वाली बात ही नहीं है बट ए ट्रू ब्लू एंटरटेनर समबडी हु कीप्स ठीक है जब लोग आपको सुनने आते हैं जब दे कम फॉर एन एक्सपीरियंस एंड इट्स अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस राइट तो वो कैसे दिया जाता है इज समथिंग आई रियली लर्न फ्रॉम अनूप जी ऑन यू नो वाइल शेयर आई मीन ड्यूरिंग दिस टूर शेयरिंग द प्लेटफॉर्म कैप आई प्रीटी मच वॉच हिम एंड हियर हिम बट इट्स फैंटास्टिक एंड आई थिंक फॉर मी बिकॉज मेरे पिताजी हमेशा कहते थे दैट प्लेबैक एक अलग कला है एंड परफॉर्मेंस एक अलग कला है तो यू हैव टू लर्न राइट यू हैव टू लर्न बोथ तो इट्स वंडरफुल बिकॉज इट्स रियली इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक मतलब आप वाकई यू नो चाहे वो लोगों से बात करना हो चाहे लोगों को इन्वॉल्व रखना हो एंड मतलब ऑन द सबसे ऊपर है यू नो द गायकी जिसमें मतलब कुछ नहीं
बैठे शुरू हुए और गाना खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, मैं ऐसे करता। अच्छा, तो फिर लोगों की फरमाइश भी आप लेते होंगे वहां पे? वो भी ले लेते हैं। अच्छा, यार वो भी शुरू हो गए, पूरा याद नहीं है तो आधा ही सुना दिया। अच्छा। आधा लोगों को गवा दिया, सो वो भी खुश हो जाता है। लेकिन आपने एक बात जो कही बिल्कुल सही कही है आपने, क्योंकि अगर प्लेबैक सिंगिंग का जमाना है या प्लेबैक सिंगिंग है तो दैट इज लाइक अ लेटर ग्रेटिफिकेशन, ये परफॉर्मेंस जो आपका है वो इट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको भी है, आपके साथ में जो बैठे हुए दर्शक या श्रोता भी है उनके लिए भी है। और अभी अनूप जी एक्चुअली आप जिक्र कर रहे थे वो इन कॉन्सर्ट वाला, तो हम दोनों के पास में यू विल सी इन अवर स्टूडियो हमने काफी सारे कैसेट भी रखे हैं, उसमें इन कॉन्सर्ट वाला है जो हम लोग इंडिया से लेके आए, आपकी भजन की कैसेट भी है, और उसमें आपने जो चांद अंगड़ाइया ले रहा है वो आप जो गजल की बात कर रहे थे वो अभी भी मेरे याद में है, और जो अश्क वो वाली बात करी थी आपने गजल वो भी याद में है, और चांद अंगड़ाइया वाला मैं थोड़ा गाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आपके जैसा नहीं गाता हूँ, लेकिन अगर आप वो सुना दे तो बढ़िया होगा सर। चांद अंगड़ाइया ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। क्या बात है, मुझे यही उसमें... या तो हमें वहां पे बेलिया में अभी होना चाहिए था या तो आपका कॉन्सर्ट यहाँ नेशनल होना चाहिए। अच्छा, यू स्टिल हैव अनदर डेट। अभी हम लोग परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं वगैरह, अभी मुझे एक कुछ मजेदार सा किस्सा आप दोनों लोगों से सुनना है कि आप लोगों का जो पहला कोई स्टेज परफॉर्मेंस रहा होगा, कोई यादगार किस्सा, कुछ मजेदार बात। अभी अभी वाले कॉन्सर्ट्स में तो आप बड़े मजे कर रहे हैं, लेकिन कोई और पुराने कॉन्सर्ट का कोई कोई एक आपको कोई फैन मिला हो, किसी ने कुछ किया हो, कुछ कुछ यादगार किस्सा प्लीज। लोगों का ये पहला ही एक्सपीरियंस है साथ में प्रोग्राम करने का, इसके पहले हम लोग अलग अलग जगह किए हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस रहे। हाँ, ये पहला ही हुआ है, और एक एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया कि वो बच्चा रो रहा था और कह रहा था ये भी एक एक दूसरा जो हुआ वो ये था कि मैं गा रहा था और मैंने देखा कि फर्स्ट रो में बिल्कुल लास्ट सीट पे एक बंदा बैठा हुआ फर्स्ट रो के एकदम लेफ्ट एरिया में, और उसने सुनते सुनते अपनी तलवार निकाली। अरे तलवार ऐसे उसने घुमाई और जाके वो राइट साइड पे उस कोने में सीट पे बैठ गया। तो मैंने देखा, मैं समझा कि शायद इनका एप्रिशिएट करने का यही तरीका होगा, ठीक है मैं भी गाता रहा। थोड़ी देर में फिर वो वहां से उठा, फिर उसने तलवार निकाली, फिर घुमाई और जाके दूसरे कोने में फिर बैठ गया। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने उससे कहा भाई साहब आप मुझे डरा क्यों रहे हैं, आप कह दीजिए तो मैं गाना बंद कर दूं। तो कहने लगे नहीं नहीं आप तो गाते रहिए, हम तो ढूंढ रहे हैं कि आपको बुलाया किसने यहाँ। ये ऐसा तो नहीं हुआ है, ये तो हमने ना अभी अभी बनाया। बिल्कुल, तो हमारे थोड़े श्रोता और दर्शकों के लिए कुछ अगर आप इंडिविजुअली कुछ मैसेज देना चाहे तो यही मैसेज है कि आप लोग खूब मजे करिए, प्यार से सुनिए, ऐसे संगीत को ढूंढिए जो संगीत आपको आखिरी सांस तक आनंद दे और आप उसका मजा लें। बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने कीमती समय हमें दिया, आपके लोग इंतजार कर रहे हैं फिर भी आपने थोड़ा वक्त दिया, तो अभी तो आपको हम इजाजत दे देते हैं जाने के लिए, लेकिन फिर से जरूर। थैंक यू रेडियो फॉर हैविंग अस। थैंक यू।